तक पढ़ लिया था और अब हमें आगे इसके जो चैप्टर है प्लेसिंग स्क्रिप्ट, ये तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था जी। हाँ, जब जब फाइल लोड होगी ना तो वो शुरू से लोड होगी, लेकिन ये चीज़ जो है ना, जाहिर है फ्रेमवर्क जो बनाए गए ना फ्रंट एंड के, वो इन्हीं मसलों को सॉल्व करने के लिए बनाए गए। अब आपने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिखी है, अब पेजेस मुख्तलिफ हैं, अब वेरिएबल उसके अलग अलग बनेंगे, एक बनेंगे, एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे कैसे जाएगा, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें या तो लोकल स्टोरेज के थ्रू गुजारना पड़ता है या तो क्वेरी पैरामीटर के ज़रिए गुजारना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा वेरिएबल बन जाए जो पूरी ऐप में रीसेट ना हो, सेम रहे, तो ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ये मसले टैकल किए जा सकें। तो जब हम फ्रेमवर्क पे जाएंगे ना अभी, तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे ये काम कैसे होते हैं। अच्छा, हर फ्रेमवर्क में तरीका उसका अलग होता है और वो फ्रेमवर्क की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लोग बताते हैं कि ये क्या होगा इसका। अच्छा, तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट हमने देख लिया, कमेंट्स हम शुरू से लगाते जा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी शॉर्ट वो वाली बात नहीं है। अब हमारे पास आ गए हैं इवेंट्स। इवेंट क्या चीज़ है? इवेंट सुन के, सिर्फ इवेंट, अभी लिंक्स को छोड़ दो, सिर्फ इवेंट को सुन के ऐसा क्या जहन में आता है कि इवेंट क्या है? अंग्रेजी में इवेंट किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा? त्यौहार। और उसके अलावा अंग्रेजी में किस चीज़ को इवेंट कहते हैं? या इवेंट सुन के जहन में क्या कोई फंक्शन आता है जहन में, यानी कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, कोई तकरीब, कोई सेरेमनी आती है जहन में? हाँ, वलीमा आएगा, आएगा तुम्हारे भी वलीमे का टाइम आएगा। अच्छा, इवेंट जो है ना, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया, हमारे यहाँ की डेमोग्राफिक्स में इवेंट किसी तकरीब को समझा जाता है आमतौर पर। लेकिन इवेंट का जो लफ्जी जो मतलब है, लफ्जी मतलब किसी भी हैपनिंग को हम इवेंट कहते हैं। कुछ भी हो रहा होता है ना, कोई भी हैपनिंग होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर तुमने जुमले में देखा होगा इन द इवेंट करके ऐसे यूज़ किया जाता है, इन द इवेंट ऑफ ट्रैवलिंग, कि वो ट्रैवलिंग करने के दौरान कोई अगर चीज़ पेश आ गई है तो हम कहते हैं कि दे इनकाउंटर्ड अ एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रैवलिंग या ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ ट्रैवलिंग। ऐसे इवेंट किसी भी, जब कोई भी काम होता है ना उसको इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे बैठे बैठे एक लाइट टूट के नीचे गिर जाए तो ये भी एक इवेंट होगा। सही है, हाँ, क्या है एक्सीडेंट? देखो, एक होती है ना खुशबू, एक होती है बदबू, और एक होती है सिर्फ बू। तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बुरा होगा तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, और अगर इंसिडेंट अच्छा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट नहीं बोलेंगे, होता होगा उसके लिए भी कोई वर्ड, मुझे नहीं पता, अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। खैर, तो ये जो इवेंट हुआ है ना, इंसिडेंट और इवेंट एक ही चीज़ को भी कह सकते हो। तो ये जो इवेंट हुआ है, ये इवेंट अच्छा है या बुरा है इस इवेंट से पता नहीं चलता। ठीक है, अगर ये इवेंट बुरा है तो उसको एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, हादसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे उर्दू में पढ़ते हैं ना, खुशगवार हादसा। ठीक है, तो हादसा खुशगवार भी हो सकता है। तो इवेंट कोई भी चीज़ होती है ना, जब तुम उसको इवेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही है अभी। जैसा मैं ये बटन दबा के जब इस बत्तियों को, लाइट को ऑन करता हूँ ना, तो ये जब लाइट प्रेस होती है, तो बटन प्रेस होता है, लाइट जलती है, दिस इज एन इवेंट, ये कुछ हुआ है। अच्छा, जैसे ही लाइट जलती है ना, तो आप सब लोगों को फील होता है अरे लाइट जल गई, यही होता है। अच्छा, इसी तरह फैन अगर बंद हो जाए अचानक, या लाइट चली गई, घर पे आप बैठे ना, लाइट चली गई, तो लाइट जाना इज एन इवेंट। ठीक है, अच्छा, इसको इंसिडेंट भी नहीं बोल सकते आप। जैसे बत्ती टूट के गिर गई ना, तो उसको आपने नाम दिया कि इंसिडेंट हुआ, लेकिन लाइट जाना इज नॉट एन इंसिडेंट, ये इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट भी नहीं है ना, ये एक इवेंट है।
एक ऐसी चीज है जिसको आप कोई नाम दे ही नहीं सकते। किसी भी काम का होना जो है ना, कुछ होना, काम का होना भी एक एक उसको कोई ना कोई, यानी काम का होना मतलब वर्ब हो गया ना, ये लोग कुछ भी होना इज एन इवेंट। सही है, मिसाल के तौर पे जब मैं ये लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको जब मैं क्या करता हूँ, इसका ये फ्लैप ऊपर करता हूँ ना जब, तो ये इसकी बत्ती जल जाती है स्क्रीन की। तो मैंने इसका जो ये ढक्कन जो खोला है लैपटॉप का, दिस वॉज एन इवेंट, और उस इवेंट के नतीजे में ये बत्ती भी ऑन हो गई, तो ये एक दूसरा इवेंट। सही है, समझ रहे हो, इवेंट समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इवेंट असल में बात है क्या। ये ज़रूरी है बहुत समझना कि इवेंट असल में है क्या चीज़। जब तक इवेंट समझ में नहीं आएगा ना, अब इसका मैं कोड लिखता चला जाऊँ पूरा सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इवेंट मोस्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत मुश्किल लगती हैं, इवेंट उसमें से एक है। और उसका रीज़न ये होता है, उनको पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, वो किए जा रहे होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता वो हो क्या रहा है। जैसे मैथ बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये हो क्या है, सॉल्व द एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है क्या चीज़। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं चल ठीक है यार, समझ में नहीं भी आ रहा तो कर लो। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं करूँगा ही नहीं जब तक मेरे समझ में नहीं आएगा ना ये हो क्या रहा है, मैं करूँगा ही नहीं, मैं उन लोगों में से। ठीक है, तो मैंने इस तरफ बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, जिसमें से यूनिवर्सिटी एक है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा छोड़ो नफर हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं जब जाता था ना यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता था मैंने पिछले पूरे महीने में जितना कुछ सीखा है ना वो मैं सब भूल गया। मैं जितना एक हफ्ते में पढ़ता था ना, पूरे सेमेस्टर में भी उतना नहीं पढ़ाते थे वो, मैं एक हफ्ते में जितनी पढ़ाई करता था। तो अलहमदिल्ला जब से यूनिवर्सिटी छोड़ी है बहुत अफाक है। कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हाँ नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत सारे, तुम जो जैसे कोर्सेज में इनरोल हूँ, मैंने भी बहुत सारे कोर्स किए हैं इस तरह आप लोगों की तरह बैठ के, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हैं, मैंने कंपनी खोली थी तकरीबन 2016 में, कंपनी रजिस्टर की थी मैंने, तो तकरीबन छः साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपका 4 साल का आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपकी ग्रेजुएशन के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ग्रेजुएशन लिखा होता है वहाँ पर या तो ग्रेजुएशन या तो इक्वेलेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मेरे पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लाइंट जब आगे ना और ऑल फॉल बातें करता है ना, बोंगी मारता है, तो ज़ाहिर है वो सीखना पड़ता है। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस भी था हुआ करता था, लेकिन अब वो रिमोट है, तो सर्विसेज प्रोसेस बॉर्ड के नाम से सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। ये कैनेडा में रजिस्टर है और पाकिस्तान में भी है, दोनों जगह एक दो लोग हैं मिल के चला रहे हैं। तो जो भी लोग काम लेकर आते हैं कि यार ये चैटबॉट बेसिकली हम बनाते हैं, जो मेन धंधा है हमारा वो चैटबॉट बनाने का, वॉइस एप्लीकेशन चैटबॉट, इस तरह की ऐसी वाहियात चीज़ें जो कोई नहीं करता ना वो हम करते हैं। सही है, तो जाहिर है फिर वाहियात किस्म की चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं, जो बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क्स हैं। अब एक बंदा आएगा वो कहेगा कि यार मुझे इलास्टिक सर्च लगाना है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी इलास्टिक सर्च पढ़ाती है भाई, कोई भी नहीं पढ़ाता, वो फिर सीखना पड़ता है ना उनसे। ठीक है, तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जो चैटबॉट के, और ये वेब डेवलपमेंट तो खैर मैंने दूसरे लोगों से सीखा, क्योंकि जाहिर है जब अगर कोई चीज़ सिखा रहा है कोई पैसे लेके, तो मैं कहता हूँ अपना टाइम बचाओ, पैसे दे के सीखो भाई। ठीक है, तो मैंने पैसे दे के भी सीखे, लेकिन जो चीज़ कोई नहीं सिखा रहा, जाहिर है वो खुद से करना पड़ता है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि ये हो क्या रहा है, और आप फिर भी किए जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो भूल भी जाएंगे फौरन, और क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो आपका टाइम भी ज़्यादा होगा। तो पहले हम इवेंट, हमने समझा कि इवेंट होता क्या है। कोई भी चीज़ जब होती है, चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो चाहे वो वर्चुअली, वो जाहिर है अब जब मैंने इसको ओपन किया तो एक इवेंट तो मेरा था ना फिजिकल वर्ल्ड में हुआ, कि इसको मैंने ऊपर उठाया, लैपटॉप का ढक्कन खोला, उस इवेंट के होने की वजह से एक दूसरा इवेंट हुआ जो कि स्क्रीन की मेरी बत्ती जल गई लैपटॉप की। तो एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ, एक वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ, दोनों इवेंट्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और हम आहिस्ता आहिस्ता ना इसको मैं कंप्यूटर के अंदर लेके जाऊंगा अभी रियल वर्ल्ड से। फ्रिज का ढक्कन जब खोलते हैं, ढक्कन खोलना इज एन इवेंट, ढक्कन खोलने की वजह से एक दूसरा इवेंट होता है, कौन सा होता है,
अंदर लाइट जल जाती है। अच्छा, फिर आप ढक्कन बंद करते हैं तो ये फिजिकल इवेंट था आपका और उससे लाइट भी बंद हो जाती है। तो हमने ये देखा कि सम टाइम एक इवेंट जब होता है तो उसके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन लेना होता है, सही है, उसके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन लेना होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे घर में पानी भरने के लिए मोटर चलाते हो ना, पानी भरने के लिए मोटर, मोटर चलना है इज एन इवेंट, मोटर चल दिया पानी ऊपर जाना शुरू हो गया। अब अगला इवेंट क्या होगा जिस पे आपको नज़र रखनी है कि सही है ना, एक अगला इवेंट होने वाला है जिस पे आपको नज़र रखनी है क्योंकि उसके अगेंस्ट आपने दूसरा तीसरा इवेंट कराना है। वो क्या है कि भाई पानी जैसे ही भर जाए, पानी का भरना इज एन अदर इवेंट, एक तो मोटर चला पहला इवेंट होगा, पानी जैसे ही फुल हो ना, आपने बोला पानी जैसे ही फुल हो मोटर को बंद करना है, ठीक है। एक तो हमने ये देखा ना कि एक इवेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट दूसरा इवेंट खुद हो जा रहा है। अब एक ये भी एक इवेंट है कि पानी जैसे ही फुल हो तो आपने क्या करना है, एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट। कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के होते ही आपने क्या करना है, एक्शन लेना है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो काम खराब हो सकता है, अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाए हर तरफ से, एक दफ़ा हो चुका है हमारे घर में। मैं एकदम बाहर से आया, मैं देखा यार छत से पानी गिर रहा है, बारिशों के बना होता ना गोल गोल सुराख, सबसे पानी गिर रहा है और वो वाइपर चल रहा है ऐसा, बिल्कुल बारिश वाला माहौल, सीढ़ी से भी पानी ऐसे आ रहा है नीचे। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ भाई, तो कह रहे वो मोटर जो आई है ना अभी उसकी आवाज़ नहीं है, तो वो चल रहा था मोटर हमें पता ही नहीं चला, फिर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, हमने कहा यार आस पड़ोस का गिर रहा होगा कहीं। जब पूरी टंकी खाली हो गई ना और पूरा सैलाब आ गया था तो फिर इनकी आँख खुली हो रही, ये क्या हुआ। तो सिर्फ मैंने कहा यार पता नहीं हमारे घर पर सिर्फ बादल आए हैं और रहमत बरस रही है, दमादम बरस रही है, पानी सब खुश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने उसके उस इवेंट पे आपने नज़र नहीं रखी कि पानी भर गया और उस पर एक्शन नहीं लिया तो काम गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा है इवेंट, सही है। एक इवेंट के अगेंस्ट दूसरा इवेंट हो जाता है। अच्छा, दूसरा इवेंट सम टाइम खुद हो जाता है, कनेक्टेड होते हैं वो, सम टाइम हमें करवाना पड़ता है। जैसे फ्रिज बंद करने पर बत्ती खुद बंद हो जाती है, लेकिन जब पानी भरता है ना तो मोटर खुद से बंद नहीं होता। अच्छा, वैसे आ गया वो कुछ सिस्टम आ गया, ऑटो भी बंद हो जाता है, ठीक है। जदीद दौर है, जाहिर है हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है तो कुछ, लेकिन आमतौर पर जनरली बात कर रहा हूँ कि पानी भरने पे मोटर खुद से बंद नहीं होता, वो हमें करवाना पड़ता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर में समझते हैं इस चीज़ को कि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ क्या है। एक चीज़ कहलाती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में ना मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं। पैराडाइम्स क्या होते हैं, एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ मैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, याद आ रहा है। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, अभी इवेंट को ना मैं इधर ला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एक होती है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए फंक्शन होता है। जावा स्क्रिप्ट मेनली, जो अभी जावा स्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, वो ज़्यादातर फंक्शनल पे चलते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने अभी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखी है, जो अभी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए फंक्शन होगा कि किसी बटन पे क्लिक हुआ तो फंक्शन चलेगा, कोई जैसे दो नंबर्स को प्लस करने का एक फंक्शन बना दिया, रीयूजेबल फंक्शन है, तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वजह से जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का आपको ऑप्शन है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप चाहें, मतलब ये है बोलने का कि अगर आप चाहें तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जावा स्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती तो क्या होता, जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने का ऑप्शन नहीं होता, सही है, ये बात समझ में आ गई। तो नंबर एक पैराडाइम और सबसे फेमस है जो, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट उसको सपोर्ट करती है, हमने वो सीख भी लिया। नंबर दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने इस कोर्स में कवर नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, क्लास का कीवर्ड होता है, क्लास होता है, पांच उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, चाइल्ड वाइल्ड, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वो भी सपोर्टेड है, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर है ना, वो पसंद नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन एंटरप्राइज जो है वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं कि जो है ना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ना पूरी सपोर्ट आ जाए। उसका रीज़न क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, जो एंटरप्राइज लेवल के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़माने से चल रहा है, उसमें दुनिया जहान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इस लेवल के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर हो तो जो कंपनी होती है ना, उसके लिए आसानी होती है कि वो सॉफ्टवेयर को ना मैनेज कर सके। जाहिर कोड जब लाखों करोड़ों लाइन में जब ये कोड पहुंच जाता है ना आपका, तो फिर कंपनीज को अच्छा, उनको भी ऐसा लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी कहानी वहीं पहुंच जाती है घूम के। कुछ लोगों का जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के सपोर्टर्स हैं, जो है ना जैसे PTI और ये चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ उधर भी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के सपोर्टर्स हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ये बकवास बातें हैं, कोई नहीं इसमें फ़र्क पड़ता, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सबसे सही है, बेस्ट है, सही है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बिला वजह काम मुश्किल किया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो फंक्शनल के हो जाता है, ठीक है, उनका मानना है। लेकिन जो एंटरप्राइज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनका ये मानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हो ना, तो बड़े कोड बेस को संभालना आसान होता है, काम को डिवाइड करना आसान होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग लोगों को वो दे देते हैं, अलग अलग टीमों को, वो उस पर काम करते हैं, बाद में वो मॉड्यूल को मर्ज कर लेते हैं और उससे काम उनको लगता है कि आसान होता है, ठीक है। एजाइल टीम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर काम करती है। अच्छा, तो हमने दो प्रोग्रामिंग पैराडाइम ये देख लिए, ठीक है। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि रिएक्ट जो फ्रेमवर्क है ना, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं है, वो फंक्शनल पे, तो हम फंक्शनल पढ़ेंगे। कभी अगर कोई फ्रेमवर्क ऐसा आया वेब का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चलता हुआ, तो हम फिर वो भी पढ़ देंगे। जी हाँ जी जी, ऐसे ही जो बैकएंड के लिए हम एक्सप्रेस जीएस पढ़ेंगे, वो भी फंक्शनल है, वो भी फंक्शनल पे चलता है। कुछ हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी हैं, ASP.NET है और रूबी रेल्स भी गालबन उसी पे चलता है, लेकिन लोगों की पसंद नापसंद की बात है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो .NET है या C# है या जावा है या C++ है, उसमें फंक्शनल पैराडाइम सपोर्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सपोर्टेड सब में है, लेकिन लोगों की पसंद। जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल दोनों सपोर्टेड है, डिपेंड करता है कि लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। इस वक्त मेजॉरिटी जो है, जो रिएक्ट सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, उसमें शुरू में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था जब वो आया था, ठीक है। तो अभी वो लॉर्ड के बुद्धू घर को आए वो वाला सीन, तो अभी वो पूरी रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो फंक्शनल कंपोनेंट पे वापस आ चुका है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में शुरू से, जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर है ना, लाखों की तादाद में होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे शायद, वो पसंद करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है जब वो पसंद करते हैं तो डेवलप भी तो वही कर रहे हैं ना सारे, मेरे और आपके जैसे ही लोग ही तो हैं जो मेंटेन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है डेमोक्रेसी है, जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी वही होगा भाई, कंपनी को तो अपना माल बेचना है ना, जो ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी वही बनाएगी कंपनी। तो पाकिस्तान में जो ये वाहियात किस्म के ड्रामे बन रहे हैं आजकल, ये हमारी डिमांड में बन रहे हैं, पब्लिक की डिमांड में, ठीक है। तो जो बंदे मांगते हैं वो दे देती हैं कंपनीज, उनको पैसा मिल जाता है। तो दो प्रोग्रामिंग पैराडाइम हमने अभी तक डिस्कस कर लिया और दोनों किस सिचुएशन हमने देख ली। नंबर तीन प्रोग्रामिंग जो है ना पैराडाइम, वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। क्या है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग वो भी जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है, ठीक है, फुली सपोर्टेड है। अच्छा, आपका जो विंडोज़ है, विंडोज़ में भी वो सपोर्टेड है, यानी विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम सपोर्टेड है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये क्या चक्कर है? इसमें होता ये है कि जब आपके जो है ना माउस है आपका, आपने किसी जगह पे क्लिक किया स्क्रीन पर, आपने स्क्रीन पे किसी जगह क्लिक किया, तो वो जो उससे ना एक आवाज़ होती है, एक इवेंट है ना, क्लिक होना क्या है, एक इवेंट है। तो उस इवेंट के बारे में
पूरे आपका जो भी प्रोग्राम है ना, सब जगह उसकी आवाज़ जाती है, उसके बारे में सब जगह इंफॉर्मेशन जाती है कि क्लिक हुआ है, क्लिक हुआ है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं उसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था कि क्लिक कब होगा, सही है, कि पानी भरेगा तो मैं फौरन बंद करूँगा। मैं वॉच लगा के बैठा हुआ था उस पर, मैं उसको वॉच कर रहा था कि कब क्लिक होगा। तो अच्छा, आवाज़ वो सबके पास जाएगी, लेकिन अब जो उसको वॉच कर रहा होगा तो पकड़ में सिर्फ उसी के पास आएगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर क्लिक का इवेंट वॉच कर रहा हूँ, अच्छा क्लिक के इवेंट के अलावा कौन सा इवेंट हो सकता है? माउस को मूव करना भी एक इवेंट है। आप माउस को ऐसे मूव करके इधर किया ना आपने, दिस इज एन इवेंट। एवरीथिंग इज एन इवेंट। पावर का बटन प्रेस हुआ लैपटॉप में, इवेंट है। स्पेस का, एंटर का, कोई भी बैक, कोई भी बटन प्रेस हुआ, एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर जो आप करते हैं, जो दैट इज अ इवेंट। सही है। और ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, ये कोई सिर्फ विंडोज़ या मैक के लिए। आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी जब आप यू स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करना इज एन इवेंट। स्क्रॉल करना क्या है? इवेंट। अच्छा, तो आप जब ना कोई भी ऐप होती है, जो आप जब उसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको लगता है ना ऐप का पेज ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बीनीथ अंडर द हुड क्या हो रहा होता है कि जब आप स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं ना, तो उससे एक इवेंट जनरेट होता है, एक आवाज़ जाती है पूरे मोबाइल के अंदर। मोबाइल में जो जो कुछ चल रहा है ना अभी, ऑन है, सबके पास एक आवाज़ जाती है कि क्या हुआ है, स्क्रीन पर स्वाइप हुआ है ऊपर, ऊपर की तरफ। अच्छा, और जो ऐप खुली हुई होती है ना सामने, वो आपके स्क्रीन के इवेंट को वॉच कर रही होती है कि स्क्रीन पे जब स्वाइप होगा तो उसको क्या करना है, उसको स्क्रॉल करवाना है पेज को, समझ रहे हो? तो बीनीथ अंडर द हुड ये हो रहा होता है। अच्छा, जब आप मोबाइल में वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने छोटा सा बार आ जाता है कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा होता है। लेकिन अंडर द हुड क्या होता है? जब आप बटन प्रेस करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, एक इवेंट जनरेट होता है। सही है। इसकी आप मिसाल ऐसे लें कि एक आवाज़ आती है, जोर की आवाज़ पूरी जगह पे, कि वॉल्यूम आप जितनी बार प्रेस करते हैं उतनी बार आता है। तो जो भी ऐप सामने खुली हुई होती है या जो भी ऐप उस पर वॉच लगा के बैठी हुई होती है, उसको पता चल जाता है कि वॉल्यूम आप प्रेस हुआ है। समझ रहे हो बात? इवेंट आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे हैं क्या चीज़ है? अच्छा, आज की क्लास में ना अगर सिर्फ ये समझ में आ जाए ना कि इवेंट होता क्या है, तो फिर ये बुक तो खुद भी पढ़ लेंगे आप। बुक में तो सब लिखा हुआ है, इवेंट को चलाते कैसे वो लिखा हुआ है, इसमें इवेंट होता क्या है वो इतने शायद डिटेल में इसमें नहीं लिखा है। अच्छा, अब ये समझ में आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको इस तरह के इवेंट को लिसन करने की, वॉच करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सही है। जावा स्क्रिप्ट में आपको के क्लिक कब हो वो आपको ना लिसन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ, मिसाल के तौर पे। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर ना मैंने कोने पे क्रॉस का बटन बनाया हुआ है। मैंने बोला है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे सॉफ्टवेयर को दरअसल क्लोज करवाना है, या कुछ इस तरह की चीज़ करवानी है मुझे। या मिसाल के तौर पे एक बटन लिखा हुआ है ग्रीट, ग्रीट मी, कि मुझे ग्रीटिंग दो। जब मैं उसको प्रेस करूँ तो एक अलर्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यू आर वेलकम और फला फला जो भी। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मुझे उस इवेंट के ऊपर लिसनर लगाना पड़ेगा, या वॉच लगाना पड़ेगा, या उस इवेंट पे मुझे नज़र रखनी पड़ेगी कि क्लिक का इवेंट कब होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमने शुरू में इस क्लास में क्या किया था यार, इसका मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, ये बार बार बंद हो रहा है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे। कैसे बढ़ता था टाइम इसका? यहाँ से बढ़ता है कुछ। मैं इसका टाइम ना 15 मिनट कर देता हूँ, ये बार बार इसका ना लाइट बंद हो जा रही स्क्रीन की, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे। खैर, हाँ तो क्या बता रहा था मैं यार, भूल गया। हाँ, कि मेरे पास एक बटन बना हुआ है, अब मैंने उस पर क्लिक होने पे ना मुझे कुछ काम करवाना है। कौन बताएगा ये काम कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में? ऑन क्लिक। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑन क्लिक का अगर हम नाम देखें ना गौर से,
कि ऑन क्लिक का मतलब क्या है, क्लिक होने पर, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बता देते हैं कि क्लिक होने पर ये फंक्शन चला देना, दिस इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये क्या चीज है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। अच्छा, फंक्शन तो दिया है उसको, वो फंक्शनल है, वो फंक्शनल पार्ट है इस प्रोग्राम का, वो फंक्शनल पार्ट है कि उसको फंक्शन दिया मैंने, ठीक है। डायरेक्ट भी कोड पूरा लिख सकता था मैं, जरूरी तो नहीं है ना कि फंक्शन ही रूप बना के, फंक्शन को हटा के डायरेक्ट कोड लिखूं तो फंक्शनल खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ इवेंट ड्रिवन रह जाएगा, ठीक है। तो इवेंट ड्रिवन क्या है कि बहुत सारे इवेंट हैं। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं वो तो उसकी तो कोई लिस्ट होगी ना, जावास्क्रिप्ट आपको बताएगा कि ये पॉसिबल इवेंट्स हैं, इस पे आप लिसनर लगा सकते हैं। ऑन क्लिक उनमें से एक है, किसी भी चीज़। अच्छा, ये ऑन क्लिक ना सिर्फ बटन पे नहीं, आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे फंक्शन चल जाएगा, समझ में आई ये बात। ऑन क्लिक बटन पे सिर्फ नहीं लगता, किसी भी चीज़ पे लग सकता है, पूरी बॉडी पे भी आप ऑन क्लिक लगा सकते हैं कि भाई पूरी बॉडी पे कहीं भी क्लिक हो पता चल जाए आपको। अच्छा, अब हमने जो किया था ना वो हमने ऑन क्लिक पे जस्ट एक काम करवाया, बस हमने ऑन क्लिक पे जस्ट एक काम करवाया। अच्छा, ऑन क्लिक जब होता है ना तो इसमें गौर से समझने की बात है, जब एक इवेंट होता है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे हाथ में बड़ा सा एक हथौड़ा है और मैंने उसको लोहे पे मारा जोर से, तो क्या होता है, चिंगारी थोड़ी बहुत शायद निकलती है उसमें से, आवाज़ होती है एक, और दोनों एलिमेंट का शेप थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दब जाएगा शायद लोहा, मारा है उसको मैंने जोर से। अच्छा, तो इसी तरीके से जब ये क्लिक होता है ना, ऑन क्लिक पर तो मैंने काम तो करवा दिया, वो तो सही है, लेकिन ऑन क्लिक जब होता है तो ये ऑन क्लिक कहाँ पे हुआ? अगर जाहिर है माउस का इवेंट है ये ऑन क्लिक, तो माउस स्क्रीन के ऊपर उसकी पोजीशन क्या थी? स्क्रीन मेरे पास 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, तो पोजीशन क्या थी उस वक्त माउस की? अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऑन क्लिक के ऊपर ना इवेंट का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था, मिल रहा होता है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया था, पूरा मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है कि ये क्लिक कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस ऑब्जेक्ट पे हुआ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट क्लिक वो आपको मिलता है, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई? हमने, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अंग्रेजी में इवेंट बोलते किसको हैं, फिर हमने दूसरा सीखा कि एक पैराडाइम होता है इवेंट ड्रिवन, वो किस पे चलता है कि कोई काम हो तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, इस पे चलता है, ठीक है। और भी पैराडाइम है, वो भी हमने थोड़े थोड़े देखे। नंबर तीन हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो पहले ही कर चुके हैं, वो हम पहले ही थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं। अच्छा, चौथा हमने क्या सीखा कि हमने जो प्रोग्रामिंग की थी ना इवेंट ड्रिवन, उसमें हमने वो इवेंट का पूरा ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं देखा, हम जस्ट ये करते थे कि ये हो तो ये करवा दो खत्म बात, लेकिन उसमें बहुत ग्रेटर डिटेल मिलती है जो अभी तक हमने देखी नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। कोई सवाल नहीं है जी? देखो, अब ये शुरू में ना लिंक की ही बात हो रही है, जो लिंक होता है ना, जब मैं उस पर माउस लेके जाता हूँ, माउस लेके जाना इज एन इवेंट। अगर मैं माउस को प्रेस करता हूँ तो क्लिक नीचे जाना इज एन इवेंट, वापस ऊपर आना इज एन इवेंट, और क्लिक जो है ना वो ये कि वापस नीचे जा के ऊपर आए, ये तीसरा इवेंट है, समझ रहे हो बात? ये तीन चार अलग अलग इवेंट हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि जब लिंक के ऊपर जाए उसका इवेंट क्या होगा? होवर, कि भाई जब इसके ऊपर होवर होना तो कुछ काम करवाना है, कुछ भी कराना है, उस लिंक का कलर चेंज करना है, कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए, या उस पर जैसे ही हवर हो उससे ऐसे उस पर बॉर्डर बन के ऐसे जगमग तारा बन के शुरू हो जाए, हवर करने पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें CSS के जरिए भी हो जाती हैं, CSS में भी होवर हो जाता है। अच्छा, तो एक तो था होवर करने पर एक इवेंट होगा, वो अलग है,
उस पे मैं कुछ लगा सकता हूँ लिसनर, उसके होवर होने पे कुछ काम करवा सकता हूँ। नंबर दो, उसके ऊपर जब माउस क्लिक होगा, क्लिक का मतलब होता है कि प्रेस हुआ वापस ऊपर उठ गया, दैट इज क्लिक, यानी माउस डाउन माउस अप ये दोनों मिला के क्लिक होता है। क्लिक करने पे एक डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है, एक डिफॉल्ट उसका कॉन्सिक्वेंस है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उस वेबसाइट पे ले जाता है जिसका लिंक होता है। ये कॉन्सिक्वेंस है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है फ्रिज के ढक्कन की तरह, कि जब मैं खोलूंगा तो बत्ती खुद ही जल जाएगी, मैं क्लिक करूंगा मुझे खुद ही उस वेबसाइट पे ले जाएगा। ये इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट वो URL बताया। ये पहले से ही डिफॉल्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये डिफॉल्ट कनेक्शन है, एक डिफॉल्ट लिसनर है जो उसको लिसन कर रहा है कि इस पर जब क्लिक होगा तो क्या करना है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि क्लिक होने पर वहाँ लेकर जाए और साथ साथ कुछ और भी करे, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, एक लिसनर मैं अपना भी लगा दूंगा। अच्छा, इसकी खास बात ये, अच्छा पहले ये पूरा बता देता हूँ, ये हो गया। अब एक होता है माउस डाउन के लिंक पे, अच्छा लिंक पे भी मैं किसी भी चीज़ पे ये लगा सकता हूँ कि माउस डाउन, कि जैसे क्लिक नीचे होना कुछ काम करवा दूंगा, वापसी ऊपर आने का वेट भी ना करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है माउस अप, कि जब जाके प्रेस हो तो कुछ नहीं करो, लेकिन माउस का बटन ऊपर आए ना जैसे तब कुछ करो, समझ रहे हो। तो हमने कितना देखा, एक एंकर टैग के अंदर हमने चार इवेंट देखे, और भी हैं, ठीक है, इन चारों के अलावा और भी हैं। इवेंट कौन कौन से हैं, अब उसकी कहीं ना कहीं एक लिस्ट होनी चाहिए, तमाम पॉसिबल इवेंट्स की कोई ना कोई लिस्ट होनी चाहिए, वो हम ढूंढेंगे तलाश करेंगे, हो सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना हर एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से आमतौर पर लगते हैं वो तो MDN पे लिखा हुआ है हर एलिमेंट के साथ, इस पर ये लिस्नर आप लगा सकते हैं। अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की ना खास बात पता है क्या है, देखो जैसे हम एंकर टैग की मिसाल लेते हैं, एंकर टैग के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से एक लिसनर लगा हुआ है, डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिफॉल्ट इवेंट है उसका, एक कॉन्सिक्वेंस है उसका, कि आपको वो दूसरे पेज पे ले जाता है। एक ही इवेंट को ना चार पांच अलग अलग जगह पे लिसन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये जो इवेंट होगा ना, इस इवेंट पे एक पहले से जाहिर है वो भी लगा हुआ है बिल्टन, वो इवेंट जनरेट होता है, सब जगह आवाज़ जाती है, जो जो लिसन करके बैठे होते हैं सबको मिलता है, और सब अपने अपने तौर पे उसका रिएक्शन लेते हैं, सब अपने अपने तौर पे। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की ना ये खास बात है, समझ लो कि एक से ज़्यादा भी लिसनर उस पर लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बटन के क्लिक होने पर मैं दो अलग अलग फंक्शन भी चला सकता हूँ, वो दो अलग अलग काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात सब लोगों को, कि एक इवेंट को एक से ज़्यादा लोग भी लिसन कर सकते हैं, ये पब सब वाला चक्कर है। अगर यूनिवर्सिटी में शायद पब सब किसी को पढ़ा, यूनिवर्सिटी वाले बैठे हैं यहाँ पे कोई, तो पब सब अगर पता है ना आपको, तो ये वो वाली चीज़ है। पब सब होता है पब्लिश सब्सक्राइब। पब्लिश सब्सक्राइब में क्या होता है कि मैं एक तो ना डायरेक्ट किसी बंदे को मैं कोई मैसेज भेजूँ, ठीक है, एक होता है कि मैं मैसेज ओपन कर दूँ, जिस जिसको रीड करना है वो कर ले, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये ओपन बोल रहा हूँ, जिस जिसको सुनना है वो सुन ले, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा, ठीक है। और एक तो ये होता है कि मैं किसी के पास जाके उससे मैं डायरेक्ट बात करूँ। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है ना, वो असल में क्या है, वो आवाज़ जोर की आवाज़ होती है पूरे सॉफ्टवेयर में, सबको सुनाई जाती है वो, लेकिन एक्शन सिर्फ वही लेता है जो लिसनर लगा के उस पर बैठा हो, यानी उसने पहले से बोला हो कि जब ये इवेंट होगा तो फला फंक्शन चला देना, या फला कोड चला देना, या फला काम कर देना, एक्शन सिर्फ वो लेगा, लेकिन आवाज़ जाती सब जगह, ठीक है। तो एक एंकर के टैग पे क्लिक होने पे ना, एक तो जावास्क्रिप्ट खुद एक्शन लेता है, हम भी चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, और दो तीन अलग अलग चार पाँच अलग अलग रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई ये काम होने पर ये सब चला दो। अब ये जब हम कोड करेंगे ना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, अभी शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ ज़रा देखते हैं जी, हाँ वो हम जो हम कहते हैं ना कि बटन बनाया हमने का ऑन क्लिक इक्वल्स टू कोई भी उसमें फंक्शन डाला, तो ये जो हम बात लिख रहे हैं ना, हम असल में एक लिसनर रजिस्टर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक लिसनर रजिस्टर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बटन पे जब क्लिक हो तो क्या करो, ये फंक्शन चलाओ। अगर हम वो नहीं लिखते, बटन के क्लिक पे इवेंट जब भी जनरेट होगा, लेकिन हमने लिसनर कोई नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑन क्लिक लिखेंगे नहीं तो इवेंट जनरेट नहीं होगा, इवेंट तो जनरेट हर हाल में होगा। जब हम माउस मूव करते हैं ना, ये मैं जितनी दफ़ा ये माउस ऐसे देखो मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये माउस जब एक पिक्सल मूव होता है ना, उससे एक इवेंट जनरेट होता है। ये ऐसे करके मैं
अगर स्क्रीन के इस कोने से और मैं ये नीचे तक लेकर आता हूँ माउस को, तो ये कोई 4-5 हज़ार पिक्सल है, तो 4-5 हज़ार दफ़ा वो इवेंट चला है, और जिसको लिसन करना तो उसने किया, जिसको नहीं करना तो उसने नहीं किया। जब क्लिक होता है, ठीक है, हम क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं, तो पूरे वेब पेज में अगर किसी भी जगह पे क्लिक होता है, चाहे वो बटन हो, चाहे वो बटन ना हो, चाहे वो डिव हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, उस क्लिक के ऊपर मुझे इवेंट जनरेट होता है। मैंने लिसनर कोई नहीं लगाया हुआ उसके ऊपर, वो बात अलग है, इवेंट लेकिन जनरेट हर हाल में होगा। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट में ये फुली सपोर्टेड है और अच्छी खासी इस्तेमाल भी होती है। अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की थ्योरी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी पहले से बेहतर हो गई होगी। अच्छा, अब इन्होंने क्या लिखा, ज़रा इनकी भी बात पढ़ देते हैं। अ गुड वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। द यूजर डज समथिंग, क्लिक ऑन अ बटन, माउस मूव, मूव द माउस, प्रेस अ की एंड समथिंग हैपेंस। अब ये देखो, बात जब बुक वाला भी ये बात कर रहा है, काफ़ी मेक सेंस हो रहा है। कह रहा है गुड वेबसाइट ना रिस्पॉन्सिव होती है। जब यूजर कुछ करता है ना, क्या करता है, बटन पे क्लिक करता है या माउस को मूव करता है या किसी बटन पे क्लिक करता है, प्रेस करता है, समथिंग हैपेंस, कुछ होता है मोस्टली, ठीक है। जैसे फॉर्म फिल किया, सबमिट का बटन दबाया तो कुछ हुआ। कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट गिव यू मैनी वेज टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर नीड। कह रहा है जावास्क्रिप्ट ना आपको बहुत सारे तरीके फराहम करता है, वो क्लिक होने पे क्या रिएक्ट करना है उसके, यूजर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, यूजर ने क्लिक किया उसको कुछ रिस्पॉन्ड देना है। अच्छा, द यूजर क्लिक ऑन अ बटन सेइंग आवर गारंटी। अब किसी भी वेबसाइट पे बंदा गया, वहां पे लिखा हुआ था एक जगह पे आवर गारंटी, यूजर ने उस पर क्लिक किया, मतलब हम क्या क्या गारंटी देते हैं। जैसे हायर की वेबसाइट थी, वॉशिंग मशीन बेचता है, आवर गारंटी लिखा हुआ उसने। अब वहां पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, कोई पॉपअप खुलना चाहिए जिसमें उनकी वारंटी की पॉलिसीज आ जाए कि भाई हमारी प्रोडक्ट एक साल से पहले ख़राब ही नहीं होती, अगर ख़राब हो जाए तो लेकर आना फ्री में चेंज, इस तरह की कोई बात होगी, यही होना चाहिए ना। अच्छा, तो जब उस पर एंड अलर्ट डिस्प्ले स्पेलिंग आउट द गारंटी। अ पेज डिस्प्ले अ बिफोर पिक्चर ऑफ अ मॉडल, व्हेन यू माउस ओवर ऑन द पिक्चर इट रिप्लेसेस विद द आफ्टर पिक्चर। कोई बाल उगाने की वेबसाइट है, बाल उगाने की कोई क्लिनिक है, उसकी वेबसाइट पे आप गए तो उसमें कह रहे हैं कि पहले से गंजा बंदा उसमें बना पा रहा है, लेकिन जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं तो क्या होता है, बाल वाले बंदा आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल दे रहा है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो उसने कहा था ना कि बंदा कुछ करता है तो उसके अगेंस्ट कुछ, तो माउस को मूव किया आपने जैसे ही तो कुछ हुआ उसके अगेंस्ट। और जावास्क्रिप्ट आपको ये कह रहा है कि बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करता है ये काम रिस्पॉन्ड करने के, कि यूज़र को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, और क्या बता रहे हैं ये, द यूज़र हैज़ एंटर्ड हर ईमेल एड्रेस इन अ फॉर्म एंड इज अबाउट टू टाइप अ कॉमेंट। When she moves the cursor from the email field to the comment field, JavaScript checks if the email address is valid. ठीक है, मिसाल के तौर पे आप साइन अप के फॉर्म पे थे, आपने ईमेल टाइप की, आप ईमेल टाइप करके आप बाहर आए, अगले फील्ड पे गए, आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, कुछ और दूसरी डिटेल टाइप कर रहे हैं, इतने में उसने क्या किया, उस फॉर्म को पता चल गया कि आपने ईमेल लिख ली है, अब आप बाहर आ चुके हैं उससे, तो फौरन उसने क्या किया, उस ईमेल को चेक कर लिया सर्वर पे कि इस ईमेल से पहले से तो कोई साइन अप नहीं है, अगर है तो बता दिया, सबमिट करने से पहले ही बता दिया। तो हमने क्या देखा कि किसी टेक्स्ट बॉक्स पे जब आपने क्लिक किया तो वो टेक्स्ट बॉक्स किस पोजीशन में आ गया, फोकस की पोजीशन में आ गया। ठीक है, सीएसएस में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, फोकस, कि किसी चीज़ पे जब फोकस हुआ होता है तो उस पर हम कोई सीएसएस लगा देते हैं कि भाई फोकस जब हो ना तब ये दिखाना, मतलब फोकस होने पर बॉर्डर लगा दिया मैंने, फोकस होने पे उसका फॉन्ट ग्रीन कर दिया, कुछ भी कर दिया मैंने। तो जब क्लिक किया फोकस हुआ, जब मैं एक एक बटन पे दबाता हूँ, मैंने लिखा M A L I K, तो हर एक बटन के क्लिक होने प्रेस होने पे कितने इवेंट जनरेट हो रहे हैं, एक बटन पे, हाँ, तीन होते होंगे, एटलीस्ट तीन होते होंगे, और भी होते होंगे वैसे, राइटर में तीन के अलावा भी होते होंगे,
ठीक है, एक बटन डाउन, एक बटन अप और एक बटन प्रेस, ठीक है, माउस पे तो तीन ही होता है, तो वेल वो देख लेंगे हमें कौन कौन से, तो जावास्क्रिप्ट बताएगा आपको, पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, कुछ एग्जिस्ट करता है। अब क्या क्या पॉसिबल टूल्स हैं वो खुद पता चल जाए, वो डॉक्यूमेंट भरा पड़ा है, वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जब उस पर क्लिक किया, टाइप कर दिया पूरा, अच्छा अब जब मैं कहीं और क्लिक करूँगा ना, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स था मेरा वो फोकस में नहीं रहा, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लर, फोकस का अपोजिट ब्लर होता है। तो मैंने कहा ऑन फोकस, जैसे ही इस टेक्स्ट पे लिखने के लिए क्लिक करे बंदा तो कुछ काम करवा सकता हूँ। अच्छा जब उससे फोकस हटेगा तो उसको हम कहते हैं ऑन ब्लर, जब इससे फोकस हटे तो कुछ काम कराना है। तो मैंने ऑन ब्लर पे क्या किया, मैंने बोला भाई इसमें जो भी लिखा है ना उठाओ सर्वर पे भेजो चेक कराओ उसको, मैंने ऑन ब्लर पे ये काम करा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात, तो ये भी एक इवेंट था, ऑन फोकस ऑन ब्लर, ये दोनों इवेंट है, की डाउन की अप की प्रेस, ये सब इवेंट हम इन पे कुछ ना कुछ फंक्शन रजिस्टर कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट अगर कोई काम करवाना है तो इन इवेंट्स पे हमें लिसनर लगा सकते हैं। अच्छा ऑन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्लैक वॉच, ठीक है, एक पिक्चर लगी थी ब्लैक वॉच की, नेक्स्ट टू इट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट आस्किंग फॉर हर चॉइस ऑफ कलर, साथ में एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, उसमें लिखा आ रहा है कि कौन सा वाला कलर चाहिए। ड्रॉप डाउन पे क्लिक होना ये कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा ड्रॉप डाउन पे जब हो गया, क्लिक हो गया, अब जब मैं उस ड्रॉप डाउन में ना मेरा कर्सर लेके जाता हूँ ऐसे, पहले आइटम पे, दूसरे आइटम पे, तीसरे आइटम पे, तो हर आइटम पे जो माउस का एंटर होना एक इवेंट है, उस आइटम से माउस का हटना, मिसाल के तौर पे उस ड्रॉप डाउन में चार कलर मौजूद थे, तो हर एक पे माउस जाना और उससे हटना, ये इवेंट है, सही है। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले पहले वाले पे गया माउस लेके, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे गया, तो कितने इवेंट जनरेट हुए, पहले पे गया तो पहला इवेंट, अच्छा पहले से हट के जब दूसरे पे गया ना तो पहले वाले से हटने का इवेंट, दूसरे वाले में दाखिल होने का इवेंट, फिर दूसरे से हट के जब तीसरे पे गया तो दूसरे से हटने का इवेंट और तीसरे में दाखिल होने का इवेंट, ठीक है। अच्छा तीसरे से जब चौथे पे गया तो तीसरे से हटने का इवेंट और चौथे पे दाखिल होने का इवेंट, ठीक है। अब चौथे पे मैंने क्लिक किया तो कितने इवेंट हुए, चौथे पे माउस डाउन एक, माउस अप दूसरा, और क्लिक तीसरा, ठीक है। ये सारे इवेंट्स ज़रूरी नहीं हम सब पे रजिस्टर करें, हम सब पे करेंगे भी नहीं, जिस पे देखो ज़रूरत पड़ सकती है ना कि जब इस पे क्लिक करें तो क्या हो। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ ड्रॉप डाउन पे बंदा चौथे आइटम पे क्लिक, जब तक बटन दबा के रखे ना वो ऐसे बड़ा हो गया, छोड़े तो वापसी छोटा हो गया, तो ये मैं कैसे करूँगा, ये तो इस इवेंट के बगैर हो ही नहीं सकता। अच्छा तो जब वो सेलेक्ट कर लिया मैंने तो उस ड्रॉप डाउन के ऊपर जो है ना ऑन सेलेक्ट का एक इवेंट चलेगा, उसमें मुझे पता चलेगा सेलेक्ट हुआ कौन सा, समझ रहे हो। तो इवेंट मैं जब कंप्यूटर के आगे एक हल्का सा माउस हिलाता हूँ ना, हज़ारों की तादाद में इवेंट जनरेट होते हैं, समझ रहे हो। इवेंट बहुत मैसिव जनरेट होते हैं, मैसिव क्वांटिटी में। मैं जैसे पेज खोला, मैंने स्क्रॉल किया, इधर उधर माउस किया मैंने, मुझे यानी एज अ यूज़र बंदे को पता नहीं चलता कि वो एक वेबसाइट खोल के अगर एक से दो मिनट उस पर गुजारता है तो कई हज़ार इवेंट वो जनरेट कर चुका होता है, ठीक है। कुछ इवेंट पे उसको रिस्पॉन्स मिलता है जैसे क्लिक पे, सेलेक्ट पे, कुछ इवेंट पे नहीं मिलता। माउस ऐसे मूव कर रहा है तो इवेंट तो जनरेट हो रहा है ना पीछे, लेकिन सम टाइम माउस किसी चीज़ पे लेके जाता है तो जूम हो जाती है, ठीक है, सम टाइम लेके जाता पिक्चर, सम टाइम नहीं भी होती, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन के व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम इनमें से कुछ इवेंट्स पे लिसनर लगा लेते हैं, और ज़ाहिर सब पे नहीं लगाते, सब पे क्यों लगाएंगे बिल। अच्छा और क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दोज एक्शंस, क्लिकिंग ऑन अ बटन, मूविंग ऑन द माउस, मूविंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, सेलेक्टिंग अ डिफरेंट ऑप्शन आर नोन एज इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट कोड दैट रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेइंग अ गारंटी और एवरीथिंग, कॉल्ड इवेंट लिसनर्स या इवेंट हैंडलर्स, ठीक है। कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन उस
यानी क्लिक होने के पे चलता है जो, उस फंक्शन का एक खास टर्मिनोलॉजी या खास नाम है, वो है तो फंक्शन लेकिन उसकी अभी उसका रोल क्या है इस वक्त, उसका रोल है इवेंट हैंडलर, उसका ये रोल है अभी कि जब वो इवेंट होगा तो ये फंक्शन उस इवेंट को हैंडल करेगा। मिसाल के तौर पर जब फॉर्म के सबमिट के बटन पर क्लिक होता है तो क्या होता है, एक सबमिट का हैंडलर होता है, ऑन सबमिट पे जो फंक्शन लगा हुआ है वो क्या है, वो सबमिट का हैंडलर है। सबमिट होगा ना जब ये इवेंट, तो वो उसको हैंडल करेगा, चलेगा खुद एक्चुअली वो। अब उसमें जो जो लॉजिक एज अ डेवलपर मैंने लगाई होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब इसने एक क्लासिक एग्जाम्पल दिए कि भाई एंकर टैग ये जो लगा हुआ है ना, ये जो ऑन क्लिक है और इस पर जो अलर्ट हो रहा है, तो ये ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, और ये अलर्ट जो मैंने अभी फंक्शन नहीं बनाया, अभी मैंने डायरेक्ट कोड लिख दिया है, बट ये जो कोड है ये क्या है, इवेंट हैंडलर है उसका। जी दोस्त कुछ कह रहे थे, अच्छा सवाल है। असल में ये इवेंट्स है ना, ये जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ना, और जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आया था, तो ये इवेंट ना उसके साथ साथ आया था, और ये इवेंट में ना उसके बाद ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है, ये सारे इवेंट्स ना उस वक्त के हैं। तो अब जितनी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, वो इन सारे इवेंट्स को सपोर्ट करती है, कुछ अपने एडिशनल भी डाल देती है। ये जो ऑन क्लिक है ना, जो ये ऑन क्लिक पहली दफ़ा जब आया था जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था, वरना विंडोज़ से पहले तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता ही नहीं था, टर्मिनल पे चलता था। जो पहला GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, DOS तो GUI नहीं था ना, वो तो टर्मिनल था। सी उसको कहते थे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। एक होता GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ जो था ना, गालबन 90 विंडो 90 था या 95 था, पता नहीं कौन सा था, वो था शायद पहला ग्राफिकल जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है उस वक्त कोई और भी होता हो, लेकिन ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो GUI बेस्ड था। तो जाहिर है उसकी जब प्रोग्रामिंग होती थी ना, उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की प्रोग्रामिंग होती थी, तो उसमें क्लिक विलिक ये सब चीज़ें उस वक्त से आए हैं मौजूद। हमें पड़ेगी, हाँ हाँ बिल्कुल पड़ेगी, जभी तो हाँ इवेंट बनाने की नहीं पड़ेगी। इवेंट तो भाई इतने बने हुए हैं ना कि जो जिस चीज़ का नाम लोगे उसका इवेंट मौजूद है पहले से, समझ रहे हो, जो आप सोचोगे ना आपके जहन में आएगा, उस चीज़ का इवेंट पहले से मौजूद है। सही है, ड्रॉप डाउन खुलने का, बंद होने का, ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन होने का, हर चीज़ का इवेंट मौजूद है स्क्रीन पर किसी जगह पर। आप जो फोटोपिया एक सॉफ्टवेयर हमने देखा था, उसमें क्या होता है, पूरा फोटोशॉप है, वो ब्राउज़र के अंदर चल रहा है, वो सारा इवेंट के ऊपर चल रहा है। जब हम पेंसिल उठाते हैं और उस पर ड्रॉ करते हैं ना स्क्रीन पर, तो वो माउस के इवेंट पे उसने लिसनर लगाया हुआ है, जब माउस पे क्लिक होता है तो वो देखता है स्क्रीन पे कहाँ क्लिक हुआ है। ऐसे ही होता है ना, माउस डाउन करके आप घुमाते हैं ना पेंसिल, जब तो लिखता है, माउस अप करके घुमाएंगे फिर नहीं लिखेगा, समझ आ रहा है। इवेंट माउस को डाउन करते हैं, यानी क्लिक नहीं है, ये माउस डाउन है, ऐसे दबा के ना बटन को खींचेंगे आप तो लकीर बनती है, छोड़ देंगे तो फिर लकीर नहीं बनती। तो इसमें कौन सा इवेंट लगा हुआ है, नंबर एक माउस डाउन जैसे ही होता है तो एक फ्लैग होता होगा कोई ट्रू फॉल्स, को टॉगल कर देते होंगे कि ट्रू है। अच्छा, फिर माउस मूव का एक इवेंट होता है कि माउस जब मूव करेगा तो चलेगा, जब माउस एक पिक्सल आगे बढ़ता है ना तो इवेंट वो एक दफ़ा चलता है। अब मैं जितनी दूर तक खींचूंगा ना वो इवेंट टक 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 चलता रहेगा, और वो क्या करेगा, माउस जब मूव होता है तो मुझे दो पोजीशंस मिलती हैं कि पहले कहाँ था अब कहाँ है, तो पहले जहाँ पे था और अभी जहाँ पे, दोनों के कलर को चेंज कर देगा वो उस कैनवस के ऊपर, ठीक है। और जब वो 100 दफ़ा वो जब इवेंट चलेगा तो आपको लगेगा कि कुछ लकीर जैसा बन गया है। अब उस लकीर का कलर चेंज करके क्या करेगा, ब्लैक करेगा, वाइट करेगा, क्या करेगा, जो सेलेक्टेड होगा पैलेट में वो कलर कर देगा, समझ रहे हो। तो अब थोड़ा थोड़ा सेंस बन गया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ना, इसके जैसा सॉफ्टवेयर अगर वेब के ऊपर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, इसी तरह बनेगा माउस के इवेंट पे। ये दो इवेंट से खेल होगा सारा, कि माउस डाउन और माउस मूव, इन दोनों पे गेम होगा सारा। समझ में आ रहा है इस तरीके। अच्छा,
इसी तरह जो सेलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्शन में क्या होता है, एक जगह पे क्लिक करते हैं, खींचते हैं और दूसरी जगह पे लाके छोड़ देते हैं, तो वो उतनी जगह पे स्क्वायर आपको ड्रॉ करके दिखा देता है स्क्रीन पे, तो वो भी माउस का इवेंट है। फोटो जो फोटो की आपने देखा था सॉफ्टवेयर, वो पूरा माउस के इवेंट पे चल रहा है, जो माउस से ऑपरेट होने वाले। फोटोशॉप खुद ऐसा है, फोटोशॉप अगर विंडोज़ पे अगर चल रहा है तो वो पूरा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, ये काम क्या बगैर इवेंट्स के हो सकता था? नहीं, ठीक है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से आप जान नहीं छुड़ा सकते, चाहे आप कोई भी पैराडाइम फॉलो कर रहे हो, ये साथ साथ चलता है उसके। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होंगे ना तो भी आपको ये लगाना पड़ेगा, इवेंट तो लगेंगे ना, उसके बगैर काम नहीं होगा। आप फंक्शनल कर रहे हो तो भी ये लगाना पड़ेगा, ये जान नहीं छोड़ेगा आपकी, ठीक है। तो हमने ये देखा, जैसे जब प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का जिक्र होता है ना, तो बोलते हैं यार दो पैराडाइम मिक्स होके भी चल सकते हैं, तो ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि ये दो पैराडाइम मिक्स हैं। हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेकिन साथ साथ इवेंट ड्रिवन भी शामिल है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक एक इवेंट है, ये हमने लगा दिया। अच्छा, इन्होंने ये एग्जांपल क्या बताई है, एक एंकर टैग लगाया, उसमें एचरेफ में ना कुछ भी नहीं दिया, हैश दे दिया। एचरेफ में हैश देने का मतलब क्या है कि पेज कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, और ऑन क्लिक करके उस पर अलर्ट लगा दिया। तो अब इस एंकर टैग पे क्लिक होने से क्या होगा, दूसरे पेज पे नहीं जाएगा क्योंकि लिंक नहीं लगा हुआ, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसने बोला कि भाई लिंक के ऊपर ना कुछ भी लगा सकते हैं, और ये सब पे लगा सकते हैं बाय द वे। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, असल में जब आप हैश लगाते हैं ना तो पेज आपका क्या होता है, पहली दफ़ा में रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि वो एच रेफ हैश है ना, तो यू आर एल में आखिर में हैश लगा देता है, कह रहे हैं ना फिर आप उसकी जगह ये लगाओगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वॉइड। वॉइड क्या चीज़ होती है, एम्प्टी होती है, ठीक है। जैसे अनडिफाइंड है, नल है, इसी तरह वॉइड भी जावास्क्रिप्ट में होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वॉइड है, वॉइड का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब ये अच्छा, मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक के ऊपर अभी तक हमने क्या किया है, हम लगाते थे कि भाई साइन अप और कॉल सिग्नेचर के, साइन अप का फंक्शन चला दो, लेकिन यहाँ पे इसने हमें बताया कि भाई ऑन क्लिक के ऊपर ना वेरिएबल ग्रीट इक्वल्स टू हाई, ये लिखा पहले, सही है, और अलर्ट भी चला दिया। यहाँ पे इनके टाइपो है बाय द वे, ये एच के शुरू में ना सिंगल कोट होना चाहिए था, ये टाइपो हो गया इनसे बुक वालों से। वेरिएबल ग्रीड भी बना दिया हाई, और अलर्ट भी करवा दिया ग्रीड को, तो ये भी कर सकते हैं आप। यानी ऑन क्लिक के ऊपर ना ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन दें, आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख दें, सेमी कॉलन लिखें, यानी एक लाइन लिख के सेमी कॉलन फिर दूसरी लाइन, सेमी कॉलन असल में लाइन को सेपरेट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे एरर दे देंगे। तो आप कॉलन लगाते हैं ना सेमी कॉलन, आप जितना कुछ लिखते चले जाएँ कोई मसला नहीं, जब क्लिक होगा हो जाएगा वो काम, वो कोड चल पड़ेगा। अच्छा, अच्छा ये तो हो गया एक ख़त्म। अच्छा, आपकी बुक में ना कुछ इवेंट्स को डिस्कस किया गया, सबको नहीं किया गया, सब करना एक बुक में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो, लिंक का भी हमने देख लिया कि लिंक के क्लिक करवाने पे आप कुछ मुख्तलिफ करवाना चाहते हैं, अगर बटन के ऊपर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, माउस के ऊपर इवेंट, फील्ड के ऊपर इवेंट, फील्ड की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, सेटिंग फील्ड वैल्यू, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ। अच्छा नहीं, ये तो ये इवेंट फील्ड का की था भाई दबे, रीडिंग वैल्यू तो वो है ना कि गेट एलिमेंट बाई आईडी करके डॉट वैल्यू उठा लो, ये वो है, वो हम कर चुके हैं पहले ही। अच्छा, तो ये एक दो तीन चार इवेंट डिस्कस हुए हैं आपकी बुक में ना, तो हम ये चारों बड़े पढ़ते हैं बुक में जो है, फिर हम कोई ऐसी जगह तलाश करेंगे कि जहाँ पर ना तमाम पॉसिबल इवेंट्स की लिस्ट आ रही हो, ठीक है, ताकि वो एक तो सेफ भी हो जाए आपके पास कि अच्छा यार ये होता है, कभी आपके पास कोई ऐसी औखी किस्म की रिक्वायरमेंट आ जाए, यूनिक किस्म की, और आपको लगे कि ये काम शायद इवेंट से हो सकता है, तो आप वहाँ जाके देख लेंगे अच्छा यार कौन सा इवेंट ऐसा है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस केस में, तो हो जाएगा। दूसरा, आप थोड़ा सा वर्क सरसरी से उसको गो थ्रू भी कर लेंगे अपने तौर पर,
ठीक है, ताकि आपको जो इवेंट्स हैं उनका अंदाज़ा हो जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, थक तो नहीं गए? वो तो बस ऑन क्लिक पे उसने फंक्शन चलाया हुआ है ना पॉपअप का। ये पॉपअप वाला जो काम इसने किया हुआ है, ये इसने फंक्शन बनाया है पॉपअप, इसमें क्या एक पैरामीटर लिया इसने मैसेज, इस फंक्शन में एक पैरामीटर लिखा गया भाई ये पैरामीटर उसको मिलेगा मैसेज, और जो भी इसको आता है उसको बोल रहा है कि आप अलर्ट करा दो। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई ऑन क्लिक पे ऐसे ये फंक्शन चलाना है, और फंक्शन चलाते हुए इस पर क्या देना है, एक हाई लिख के इसने पैरामीटर दे, तो जो भी फंक्शन के पैरामीटर में था वो अलर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? ये असल में ये काम ना बुक में अब हुआ है, हमने तो पहले दिन ही कर लिया था ना ये इनपुट आउटपुट लेने के लिए कि भाई फॉर्म सबमिट होगा, इनपुट लेना जब सीखा था, ये बुक में अभी पहली दफ़ा ये जिक्र आया है इसका कि ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि बुक में फंक्शन अभी कंप्लीट हुआ है इस पॉइंट पर अभी, तो इस वजह से ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है। आप लोगों ने ये पहले ही कर लिया। अच्छा, बटन जो है भाई साहब उसके बारे में अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है इन द लास्ट चैप्टर यू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्स अ लिंक टू मेक इट ट्रिगर एन इवेंट व्हेन इट इज क्लिक्ड। कह रहे हैं कि एक लिंक था लास्ट चैप्टर में, हमने मुख्तलिफ तरीके देखे कि जब उस पर क्लिक होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डिफॉल्ट लेके दूसरे पेज पे ले जाएगा, उसने डिफॉल्ट को रोक दिया वॉइड लगा के, फिर उसने उस पर एक पॉपअप लगा दिया, फिर फंक्शन लगा दिया क्लिक पे के फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो ये तीन चार उसने काम करके दिखाया जो सब कर चुके हैं आप लोग पहले ही। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लोडिंग अ न्यू पेज, हाँ ये हो, यू लर्न टू डू विथ इन लाइन इवेंट हैंडलर। अच्छा, इसको अब देखो ये क्या कह रहा है, इन लाइन इवेंट हैंडलर। ठीक है, अब इन लाइन इवेंट हैंडलर वो है जो हम शुरू से लगाते हुए हैं ना कि ऑन सबमिट पे ये फंक्शन चला दो, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन, ये दैट इज इन लाइन इवेंट हैंडलर। ठीक है, अच्छा इन लाइन इवेंट हैंडलर सिर्फ कुछ जगहों पे आपके पास अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इमेजिन करो कि माउस मूव पे आपको लगाना है, आपने बोला कि माउस जब मूव हो ना एक पिक्सल मूव हो तो एक फंक्शन चले, आप किस चीज़ पे जाके ऑन मूव लगाओगे भाई, बटन पे तो बटन के टैग में लगा दिया ना ऑन क्लिक, माउस पे कहाँ जाके लगाओगे, पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा, इस आपने बोला स्क्रॉल होने पे मुझे इवेंट पे हैंडलर लगाओ, कि जैसे ही बंदा स्क्रॉल करे ना मेरे पास इवेंट है, तो अब स्क्रॉल का किस चीज़ पे जाके लगाओगे ऑन स्क्रॉल, शायद बॉडी पे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मतलब कोई ऐसी जगह नहीं, स्क्रॉल दिख थोड़ी रहा है, स्क्रॉल बार अंदर का यहाँ थोड़ी रहा है कि उस पर जाके आप लगाओगे, तो ऑन स्क्रॉल जो है वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है वो। अच्छा, अगर आप किसी बॉडी पे लगाते हैं ऑन स्क्रॉल, तो बॉडी जब तक हिलेगी नहीं वो मिलेगा नहीं आपको, आप चाहते हैं पूरी वेबसाइट में कहीं भी स्क्रॉल हो ना मुझे मिले इवेंट, तो आप वो किसी चीज़ पे लगा नहीं सकते आप जाके। तो अभी तक हमने जो लगाए हैं, जो हमने देखे हैं अभी तक बुक में भी और अपने भी, हमने इन लाइन इवेंट हैंडलर देखे हैं अभी तक। ठीक हो गया? अच्छा, जिस चीज़ के ऊपर आप इन लाइन इवेंट हैंडलर लगाते हैं, आप उस पर ज़रूरी नहीं है कि इन लाइन ही लगाना फ़र्ज हो गया, इन लाइन उसमें जैसे सहूलत के लिए दिया हुआ है, जैसे बटन है बटन पे इन लाइन हैंडलर लगा सकते हैं कि ऑन क्लिक ये हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस इन लाइन वाले को यूज़ करें, आपके पास जो जनरल तरीका है इवेंट लगाने का, जनरल जो तरीका है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है अभी वो आगे आ जाएगा। ठीक है, वो अभी तक बुक में भी नहीं आया, हमने करके भी नहीं देखा। इवेंट पे हैंडलर लगाने का या इवेंट पे लिसनर लगाने का जो जनरल तरीका है वो जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, तो इसने कहा भाई इन लाइन इवेंट हैंडलर होता है नॉट द बेस्ट वे, कह रहा है ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बट द ईजीएस्ट टू लर्न। हाँ, ये तो ईजीएस्ट तो था कि ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया, चलिए आसान है बिल्कुल। लेटर इन द बुक यू विल लर्न टू अप्रोच दैट प्रेफर्ड बाई प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग अप्रोच, कह रहे हैं कि एक प्रेफर्ड बाई प्रोफेशनल अप्रोच है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे बुक में। बट इवन इफ यू आर यूजिंग द इन लाइन मैथड वैन यू वॉन्ट टू गिव द यूजर समथिंग टू क्लिक,
अ मोर प्रोफेशनल अप्रोच यूजुअली इज टू यूज अ बटन रेदर देन अ लिंक. ठीक है, इसने ये क्या बात की, इसने ये बात की कि आप जब मोर प्रोफेशनल तरीका यूज करते हैं, अख्तियार करते हैं, तो फिर आप मोस्टली ना आप ये लिंक के साथ खेलते नहीं हैं, आप बटन लगाते हैं. ठीक है, ऐसे ही अपना ओपिनियन दिया इसमें, लेकिन अब अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई लिंक के साथ ही करना है तो फिर लिंक के साथ करेंगे आप. ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग अप्रोच है वो सब पे ये लग सकती है, वो बटन पे भी, जहाँ जहाँ इन लाइन लग सकता है वहाँ पे जाहिर है स्क्रिप्टिंग अप्रोच भी लग सकती है. अच्छा, सपोज दैट व्हेन द यूजर क्लिक्स अ बटन एन अलर्ट डिस्प्ले से हेलो वर्ल्ड. कह रहे हैं कि जब एक बटन पे क्लिक होता है तो क्या होता है, आप उसको अलर्ट दिखाते हैं, यूजर को क्या दिखाते हैं, हेलो वर्ल्ड. तो अब ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर आपने एक फंक्शन लगा दिया. ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड अलर्ट. ठीक है, अलर्ट एक फंक्शन है ना, फंक्शन की क्या पहचान है, कॉल सिग्नेचर लगाते हैं उसको हम चलाते हुए. ठीक है, कॉल सिग्नेचर जिस पे लगता है वो फंक्शन होता है कोई ना कोई. तो हम लिखते हैं अलर्ट और गोल पैरेंथेसिस ओपन, गोल पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके बीच में कुछ दे रहे होते हैं, गोल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट इज कॉल्ड कॉल सिग्नेचर. ठीक है, तो जहाँ पे कॉल सिग्नेचर लगेगा जाहिर है वो फंक्शन भी लग सकता है. अच्छा भाई, ये हो गया. द इवेंट हैंडलर इज द सेम वेदर यू कोडिंग अ लिंक और अ बटन. कह रहे हैं कि ये काम ना ऑन क्लिक वाला, आप बटन पे लगाएं या आप लिंक पे लगाएं, बात एक ही है. लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, फ़र्क यहाँ पर है कि बटन के ऊपर ना बाई डिफ़ॉल्ट क्लिक होने पे कुछ लगा हुआ नहीं है, जावास्क्रिप्ट कुछ करता नहीं है यार. फ्रिज का ढक्कन खोलने पे लाइट खुद जलती है, तो बटन में ऐसा नहीं है कि बटन पे अगर क्लिक होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता. एंकर टैग पे ऑन अदर हैंड या लिंक पे एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो दूसरे पेज पे ले जाता है, तो उसको आपको रोकना भी पड़ेगा और अपना हैंडलर लगाना भी पड़ेगा. या हो सकता है उसको ना रोकें, वो भी होने दें, अपना भी होने दें, उससे भी कोई मसला नहीं है. एक इवेंट पे दो तीन एक्शन अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो ये बहरहाल जो बताना चाह रहा है वो यही बात है गालबन. अच्छा, बट द बिगिनिंग ऑफ द कोड इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक, सम प्रोज वुड आर्ग्यू दैट बटन कोड शुड बी इनक्लोज इन अ फॉर्म टैग्स. कह रहे हैं कि बटन के साथ भी एक इशू है कि वो फॉर्म के टैग के अंदर होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी. जाहिर है बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाने के लिए फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बटन्स फॉर्म के अंदर होते हैं, कुछ लिखते हैं फिर बटन दबाते हैं. एंड एनी वे, सिंस वी आर ऑलरेडी वायलेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस बाई यूजिंग इन लाइन इवेंट हैंडलर, वाई नॉट स्क्रैंडराइजिंग द प्रोज विद मल्टीपल वायलेशंस, यू विल लर्न मोर रिस्पेक्टेबल अल्टरनेटिव. अच्छा, तो कह रहे हैं कि बटन भाई होते होंगे फॉर्म के अंदर, लेकिन हम तो ऑलरेडी इन लाइन हैंडलर यूज़ कर रहे हैं जो कि वायलेशन है, तो कह रहे हैं एक और वायलेशन करते हैं, बटन को हम फॉर्म से बाहर लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है. कह रहे हैं कोई अभी सीख लेते हैं ऐसे, बाद में हम ना मोर रिस्पेक्टेबल वे हम बाद में सीख लेंगे, जो आसान है वो अभी सीख लेते हैं. एज एन HTML कोडर यू वुड नो दैट यू कैन यूज एन इमेज एज अ हॉट लिंक. हॉट लिंक क्या होता है, जिसके क्लिक पे कुछ हो. ठीक है, द मार्कअप वुड लुक समथिंग लाइक दिस. अच्छा, क्या है भाई, पहले एंकर टैग है और उसके दरमियान में इमेज है, यानी जहाँ पे एंकर टैग का टेक्स्ट होता है ना डिस्प्ले होने वाला, वहाँ पे एक इमेज लगा दी. तो जो भी इमेज के अंदर जो भी कुछ होगा, ऐसा लगेगा आपको कि उस इमेज के क्लिक होने पे ये काम हो रहा है. सही है, मतलब HREF करके एक लिंक दिया हुआ है कि समरी पेज डॉट HTML, तो उस इमेज के क्लिक होने पे आपको वहाँ ले जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि लिंक नहीं है, वो इमेज है. कह रहा है उसको करने का एक तरीका और भी तो हो सकता है ना, कि इमेज पे ही ऑन क्लिक लगा दो, इमेज पे ऑन क्लिक लगा के जो मर्जी करा लो. ठीक है, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि ऑन क्लिक सिर्फ इमेज पे नहीं, किसी पे भी लग सकता है. अच्छा, तो इसने बोला कि इमेज और SRC उसका क्या बोला, बटन ग्रीट डॉट PNG, और ऑन क्लिक के ऊपर अलर्ट लगा दिया. ये अपना भी कोई फंक्शन लगा सकता है.
वो हमने सीखा है ना साइन अप वाले में href.location। नहीं, एंकर टैग पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो बैकग्राउंड में वही हो रहा होता है, href की लोकेशन चेंज होती है, यही होता है, यही फर्क नहीं है स्पीड में। Or if you want a more professional about it, you could have even trigger a function. कह रहा है इस केस में डायरेक्ट अलर्ट लगा दिया इसने, लेकिन इस केस में इसने अपना फंक्शन बना के लगा दिया, अपने फंक्शन में जो मर्जी लिखते रहो अपना, ठीक है। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बटन वाला, सही है। अच्छा, यहाँ तक का जो भी काम है वो हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके लिए नई है जो हमने की नहीं है अभी तक, ये हम पहले ही कर चुके हैं ये सारे, ऑन क्लिक बटन के ऊपर और इमेज के ऊपर भी करके देखा ही होगा आपने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं माउस के ऊपर। हाँ चलो, माउस वाला इवेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, वो पहले वाले भी भूल जाओगे। अच्छा, ओवरवेलमिंग हो गया ज़्यादा। अच्छा चलो, फिर ये माउस का इवेंट और फील्ड वाला इवेंट ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कोई असाइनमेंट भी होना चाहिए। हाँ, आसान सा असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि एक इमेज बनानी है आपने, उस पर क्लिक करें ना तो इमेज चेंज हो जाए, और दो तीन इमेज हो, कुछ भी हो, आप बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखो स्लाइडर लगा हुआ होता है ना, स्लाइडर ही हो गया ना ये, जब इमेज पे क्लिक करने से चेंज हो रहा है तो स्लाइडर ही हो गया ना, और क्या हुआ। स्लाइड मतलब एनिमेशन लगा दो तो अच्छी बात है, बट इमेज चेंज होना दिस इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम माय साइड। अगर इमेज चेंज हो रही है तो रिक्वायरमेंट फुलफिल आती है, और स्लाइड एनिमेट होके हो रही है तो और अच्छा है, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी, नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तीन चार इमेज हो, फिक्स हो, पहले से फिक्स हो, डिस्प्ले एक हो रही हो, क्लिक करूँ चेंज होकर दूसरी आ जाए, क्लिक करूँ चेंज होकर दूसरी आ जाए, वो घुमाता रहे उसको ऐसे ही, जब क्लिक करूँ तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ और, अगर आपसे हो पाए, रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो क्या ही बात है। व्हाट्सएप पे जैसे होता है ना, स्टेटस पे इधर क्लिक करते हो तो आगे जाता है, इधर क्लिक करते हो पीछे जाता है, अगर ये हो, क्योंकि देखो इमेज पे जब क्लिक होगा तो आपको ये भी पता चलाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा कि इमेज पे जो क्लिक हुआ है वो किस पोजीशन पे हुआ है। अगर 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की इमेज है तो किस कौन से पे हुआ है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी स्क्रीन अगर है 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, तो अगर मैं इस कोने पे करूँगा, यानी मेरा ये क्या हो गया, टॉप लेफ्ट हो गया, अगर मैं टॉप लेफ्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसका कोई ना कोई पोजीशन होना चाहिए ना, क्या होगा पोजीशन, 0.0 यानी हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल 0, यही होगा ना। अगर मैं थोड़ा सा इधर करूँ ऐसे यहाँ, तो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा आगे आ गया ना, वर्टिकल में मैं उसी जगह पर हूँ 0 पर। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल दरमियान में लाके क्लिक करूँ इसके स्क्रीन के, तो क्या मेरा एड्रेस आएगा, 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, तो दरमियान में बिल्कुल जो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्लिक की पोजीशन 500 बाई 500, बिल्कुल सही। अगर मैं बिल्कुल नीचे यहाँ लाके क्लिक करता हूँ, जहाँ से देख, अच्छा देख रहे हो ये इन्होंने लिसनर लगाया हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ लाता हूँ ना ये नोट्स झाँकता है ऐसे ही यूँ करके कि मैं आ जाऊँ बाहर के, क्लिक करूँगा तो बाहर आ जाएगा, ये देखो क्लिक किया बाहर आ गया। तो मैं बिल्कुल यहाँ कोने पे अगर ले जाता हूँ तो अब क्या, यहाँ क्लिक करता हूँ क्या पोजीशन आनी चाहिए, 1000 बाई 1000 सही है। तो अगर ये हो पाए, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो हम इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम करेंगे। अगर हो पाए कि एक इमेज लगी हुई है उसके क्लिक पे चेंज तो वो हो रही है, लेकिन अगर मैं इस साइड पे क्लिक करूँ ना लेफ्ट साइड पे, तो वो बैकवर्ड में चेंज हो, और अगर राइट साइड पे करूँ तो अलग बिहेवियर हो उसका। नहीं, बटन नहीं लगा रहा है, इमेज पे ही क्लिक होगा अगर ये हो पाए तो। हैं, अच्छा मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि ये होगा कैसे, बता दूँ थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अच्छा, आते हैं कोड में, कुछ कोड भी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया,
इसमें एक IMG लगा दिया मैंने, और IMG का सोर्स कुछ ना कुछ हमें चाहिए होगा। तो डेस्कटॉप पे मेरे एक पिक्चर पड़ी हुई है, सही है, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई थी, इसका मैंने क्या लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया। अच्छा, ऑन क्लिक इनलाइन सीखा है ना, तो इनलाइन ही करेंगे फिर हम, सही है। इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, हैंडलर, हैंडलर है ये इवेंट। अच्छा, ये इवेंट जो है ना ऐसे, ये डिफॉल्ट एक पैरामीटर है, ये मिलता है आपको, सही है। अब मेरे को चाहिए एक जावास्क्रिप्ट अदर, बंद तो कर दे। अब जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये जो हैंडलर आया ना मेरे पास, ये हैंडलर, ये जब फंक्शन चलेगा ना, तो मुझे इस इवेंट का जो पैरामीटर है ना, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा उसमें, उस इवेंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल। अच्छा, तो इस इवेंट को ना मैं क्या करवाता हूँ, कंसोल करवा लेता हूँ, ठीक है। इवेंट ही लिखना होगा आपको, नहीं अब यहाँ पे ई काम नहीं करेगा, इधर कर जाता है नीचे वाले पे, तो बेहतर ये दोनों जगह इवेंट लिखो फिर, ठीक है। ऊपर पे ना इवेंट लिखना पड़ता है पूरा, जहाँ तक मुझे पता है, अभी देख भी लेते हैं, हो सकता है सिर्फ ई लिखने से हो जाता हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि उस पूरा इवेंट लिखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, दिस लिखने से हो जाता है। अच्छा, हाँ यार, ये सही बोला तुमने, ऊपर दिस लिखना पड़ता है, सही कहा इसमें, थैंक यू यार। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया ना जैसे ही, अब ये इवेंट को उसने डिस्प्ले ऐसे करके कर दिया, सीधा करके, ऑब्जेक्ट बना के नहीं किया यार, ऑब्जेक्ट बना के कर देता यार, दिस नहीं इवेंट ही होता है शायद, हाँ इवेंट ही है यार, दिस करके भी कुछ मिलता है, लेकिन दिस करके वो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अच्छा, वो इवेंट ही था, सही है, मुझे भी बहका रहे हो तुम। अच्छा, अब देखो इसका नाम क्या आया, पॉइंटर इवेंट, जिसको माउस इवेंट भी बोल सकते हैं, क्लिक हुआ तो पॉइंटर इवेंट आ गया। अब इसमें जो है ना, मुझे देखो क्या मिला है, प्रेशर। आजकल ना कुछ माउस के पैड ऐसे हैं जो प्रेशर भी, जैसे एप्पल पेंसिल है ना, प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो वो मोटा लिखती है, ठीक है। जैसे ये वाले नए वाले माउस पैड हैं, तो इसमें मैं जब ज़ोर से किसी चीज़ को प्रेस करता हूँ ना, जैसे देखो, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर, जैसे मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट किया और इस पर मैं जब ज़ोर से क्लिक करता हूँ ना, तो ये एक अलग से उस पर चीज़ होती है, तो मतलब कितनी ज़ोर से प्रेस हुआ है वो भी यहाँ पे आ सकता है, आता है। जैसे जो आईफोन है पुराने वाले, उनमें स्क्रीन में ना, टच स्क्रीन पे प्रेशर सेंसर होता था, वो उन्होंने 11 में गलबन ख़त्म कर दिया, या 8 में ख़त्म किया, ठीक है। तो उसमें प्रेशर सेंसर होता था टच स्क्रीन के नीचे, तो वो ये प्रेशर भी देखो बता रहा है मुझे। अच्छा देखो, और क्या क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड एंगल, ये जूम कर देता हूँ, ठीक है। बबल, बटन, बटन्स, कैंसिल, क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, क्या है ये, एक्सेस है, कुछ मिल रहा है, सही है। अच्छा, लेयर एक्स, लेयर वाई, कुछ मिल रहा है ना, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, पेज एक्स, पेज वाई, हाँ ये इतने सारे एक्स वाई, पता किस किस चीज़ के हैं, पूरे मॉनिटर में किस जगह पे क्लिक हुआ है, किस पोजीशन पर, HTML के डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पे, जाहिर है HTML का डॉक्यूमेंट पूरे 1000 पिक्सल पे नहीं आ रहा, ऊपर और नीचे उसके वो गूगल क्रोम का बार लगा हुआ है ना, जो भी है, HTML के डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पे क्लिक हुआ, फिर HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के किस पोजीशन पे क्लिक हुआ, और जो एलिमेंट था जिस पे क्लिक हुआ उसकी पोजीशन कौन सी, तो ये सब अलग अलग आपको आ रहा है, ठीक है। पेज एक्स, पेज वाई का मतलब है कि HTML के पेज में किस जगह पे, गालबन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। पाथ, कि जिस चीज़ पे क्लिक हुआ है उसका पाथ क्या है,
पहले HTML का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर HTML है, उसमें बॉडी है, उसमें इमेज है, ये उसका पाथ है। इसी तरह है ना कि बॉडी के अंदर डायरेक्ट इमेज है। अच्छा, पाथ को मैं बंद कर देता हूँ, देख रहे हो, प्रेशर रिलेटेड टारगेट स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई दोबारा आ गया ये, ठीक है, टारगेट ये इमेज की सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, टारगेट डॉट करके ना पूरा आपको ये मिलेगा। अब इसमें आपको क्या तलाश करना है कि इमेज में किस जगह पे क्लिक हुआ है, सही है, व्यू। अब इसमें कहाँ पे है वो देख लेना, अब हर चीज़ थोड़ी बताइए, तो हिंट दिया मैंने सिर्फ। अच्छा, अगर मैं इसके इस ये मेरी कितने बाई कितने की इमेज है ज़रा देख लेता हूँ, 360x360 की इमेज है, चलो ये भी बता देता हूँ, क्या याद करो, बता नहीं देता हूँ, तरीका बता देता हूँ ढूंढने का। तो अगर मैं इस कोने पे क्लिक करता हूँ इमेज के यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, समथिंग 360x360 के करीब करीब का कुछ मिलना चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे ना प्रिसाइजली क्या करता हूँ, यहाँ पे कोने पे मैं एक क्लिक कर देता हूँ, और अब आके मैं देखता हूँ कि 360 के करीब करीब कौन सा वाला है, ठीक है। वैसे तो डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। अच्छा, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई जो है ना वो 366x366 मिल रहा है मुझे। अच्छा, अगर मैं दरमियान में क्लिक करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दरमियानी वैल्यू जो भी होगी 360 क्या होगी, 150 और 180 होगी ना। अच्छा, मैं अब इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई पे क्या मिला मुझे, सही, मतलब तो यही है, है ना, हो गया मसला सेट मारा कि अब अगर मेरे, अच्छा इसको डिवाइड कैसे करोगे, जाहिर है व्हाट्सएप में भी क्या किया हुआ होता है, 60-40 डिवाइड किया होता है गलत, या पता नहीं 80-20 होता है, तो 20% जो है वो बैक का होता है और बाकी का 80% आगे जाने का होता है, क्योंकि अगर आप दरमियान में क्लिक करेंगे ना तो भी आगे जाता है वो, दरमियान में क्लिक करने से भी आगे जाता है, पीछे नहीं जाता, पीछे का सिर्फ वो साइड वाली पट्टी होती है उसी से पीछे जाता है। तो आप इसको 80-20 डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपका साइज है इमेज का, आप बोलेंगे उधर हुआ है तो क्या करो, एक इमेज होगी 10 इमेज है आपकी अगर, तो एरे के 10 इंडेक्सेस में पड़ी हुई होगी वो, आपने कहा अगर 20% वाले पार्ट पे क्लिक हुआ है तो एरे के उसमें पीछे जाओ, और अगर बाकी 80 में हुआ तो एरे में आगे जाओ, हो तो जाएगा अभी, अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, ये कोड मैं पुश भी कर देता हूँ, ठीक है, 28 इवेंट, ठीक है भाई।